हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हायर का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को हम कैसे यूज़ करें और इसका हम डेमो देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखोगे तब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगा इसका, और इसको हम कैसे इसका फिल्टर जो है निकाल के कैसे क्लीन करें इस वीडियो में हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये हमारा हायर का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो इसमें आप देखोगे कि हमारे को एक फंक्शन मिल जा रहा है प्लेट का, ये कवर है अच्छा आपका, ये आप देखोगे ये हमारा वॉश टाइमर और ये वॉश सिलेक्टर है आपका, वॉश सिलेक्टर और ये स्पिन। तो आप ये आपको 15 मिनट का वॉश टाइमिंग मिल जाता है। और इसमें देखो ये स्टैंडर्ड और स्ट्रांग, स्टैंडर्ड में आपका नॉर्मल कपड़ा धुलेगा और स्ट्रांग में आपका पर्दा गोदरी चदरा ये सब धुलेगा आपका। तो ये क्या ये फंक्शन वॉश सिलेक्टर क्या करता है कि आपका स्टैंडर्ड में जो रहेगा वो आपका जो मोटर राइट लेफ्ट घूमता है, तो राइट लेफ्ट समझो आपका एग्जांपल दे रहा है कि 8 बार आपका राइट 8 बार लेफ्ट घूमेगा। तो आपको स्ट्रांग में करोगे तो आपका जो है 15 बार राइट 15 बार लेफ्ट ऐसा आपका ये घूमेगा। तो ये आपका वॉश सिलेक्टर है। और आपको इसमें 3 ऑप्शन है और ये ड्रेन, आपका कपड़ा धुल के हो गया तो आपको ये ड्रेन करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो ये स्पिन टाइमर है 5 मिनट का है। तो आपको ये देखो ये पाइप मिलेगा, तो कपड़ा जैसे कि आपको कपड़े में जो इसमें है पानी भरना पड़ेगा धोने के लिए। तो आप देखोगे कि ये हमारा इन पाइप है, देखोगे ये हमको बैक साइड में इन पाइप मिलता है अलग से वॉश के लिए। और ये हमारा को देखो स्पिन में भी पाइप दिया है आपका, ताकि आप जो जो आपका कपड़ा सर्फ वाला है वो आपको सर्फ वाला निकाल के फिर से आप इसको अच्छे से स्पिन करके आप इसको कपड़े को पूरा अच्छे से सुखा सकते हो। तो ये हमारा हुआ अभी ये बटन के बारे में। तो अभी हम आपको कपड़ा एक धुल के दिखाएंगे इसमें। तो हम इसमें आपको अंदर दिखाएंगे कि ये हमारा फिल्टर है, तो फिल्टर को हमको कैसा निकालना है। तो देखो ये आपको ऐसा प्रेस करना है और ये आपको ऐसा निकाल लेना है। तो इसमें आपको 2-3 दिन में आपको ये फिल्टर को धोना है। अगर आपको ये निकालना है तो आपको ये अभी 7 दिन में आपको क्या करना है, ये 7 दिन में नहीं तो 2 हफ्ते में आपको इसको निकाल के आपको इसको बैक साइड में पूरा काई जमा रहता है सर्फ का, तो इसको भी हमको धो लेना है अच्छे से। तो आपको देखो ये प्रेस करना है ऐसा और ये प्रेस करके ऐसा निकल जाएगा आपका, ये प्रेस करके निकलेगा आपको। तो इसमें आप देखोगे डस्ट रहेगा और ये आप देखोगे कि इधर भी पूरा डस्ट रहता है, ये अभी हमने क्लीन किया है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, आपने पानी इसमें इधर इन कर दिया और आप नल चालू कर दिए, तो नल चालू करने के बाद क्या होगा कि अगर आप भूल गए कि कपड़ा हमारा जो पानी है ओवरफ्लो होगा, तो आपको डरना नहीं है। आप देखोगे कि इधर हमारा ओवरफ्लो के लिए हमें ओवरफ्लो के लिए आपको दिया है कि आपका ओवरफ्लो होगा तो पानी इधर से ड्रेन हो जाएगा, तो आपको कुछ डरना नहीं है कभी ऐसा गलती हो गया। तो यह हमको आपको निकालना है 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में इसको ऐसा लगा के इसको क्या करना है ऐसा प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो कि इधर हमको ये प्रेसिंग दिया है, तो ये प्रेस की वजह से आपको उधर फिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये क्या आप देख सकते हो कि हमको इधर लेफ्ट साइड में पहले देखो इधर ऐसा नीचे आपको खांचे में ऐसा डाल के रखना है, फिर ये जो लेफ्ट साइड का है इसको हमको ऐसा टेढ़ा करके ऐसा देखो ऐसा टेढ़ा करके ऐसा इस साइड का ऐसा लगा के, तो ये हमको ऐसा दबा के ऐसा ऐसा दबा के ऐसा लगा देना है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। तो अभी हम एक कपड़ा आपको एक डेमो देंगे धोने के लिए। तो हमको पहले नल चालू कर देना है, ये पाइप लगा के इसको बैक साइड में पाइप लगा के आपको नल चालू कर देना है। ये चालू हो गया हमारा, देखो अभी इसमें पानी आएगा, लेकिन ये हमारा ड्रेन पे इसको आपको जो कपड़े पे रखना है, अभी हम एक कपड़ा दो कपड़ा धो रहे हैं, तो हम अपने को किस पे रखना है, स्टैंडर्ड पे रखना है, स्टैंडर्ड पे रख देना है आपको। तो अभी हम इस पे कपड़ा डालें अभी ये हमारा अभी ये टाइमिंग है। तो इसको अभी हम पहले सर्फ डाल के इसको हम ये अभी हम सर्फ डाल दे रहे हैं इसमें, हमने अभी डेमो के लिए एक कपड़ा लिया है, तो हमारा पानी हो चुका है एक कपड़े के हिसाब से। तो अभी हम नल इधर बंद कर देंगे और इसको हम 6 मिनट तक वॉश होने देंगे स्टैंडर्ड में रख के। आप देखोगे तो हमारा वॉशिंग मशीन घूम रहा है, अभी हम इसको डाल दिए तो ये आपका घूमेगा अच्छे से और ये वॉश हो जाएगा।
और जो आपका ये कपड़े का जो भी आपका रोवा रहेगा ये इसमें आएगा, तो ये आपका ये धुल जाएगा आपको 6 मिनट में। आपको ये आप देखोगे कि हमारा ये कपड़ा वॉश हो गया अच्छे से, धुल गया। तो अभी हम इसको ये आपको ड्रेन करके पूरा जो आपका पानी है उसको निकाल देना है, तो पानी निकल जाएगा आपका। तो ये कपड़े को आपको डायरेक्ट इसमें डाल देना है ऐसा करके। और ये हमारा कवर है ताकि ये कपड़ा जब ये आप ज़्यादा कपड़े डालें तो इधर से बाहर निकल के जाके फंसे ना, इसीलिए ये हमारा सेफ्टी कवर है। तो इसमें हम डाल दिए, तो अभी हम पानी ये पानी इधर से निकाल लेंगे, ये पाइप निकाल के इसमें लगा देंगे, इसमें लगा के ये चालू कर दिए। अभी हम 1 मिनट तक इसको स्पिन करेंगे, पानी डाल के स्पिन करेंगे ताकि हमारा जो ये है सर्फ है, सर्फ निकल जाए और ये अच्छे पानी से धुल के हमारे को बिना सर्फ का अच्छे से मिले ये हमको। देखो हमारा पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, तो अभी हम नल को बंद कर दे रहे हैं। ये देखो अभी ये बंद हो गया, ब्रेक लग जाता है और जो हमारा सर्फ वाला पानी था वो पूरे तरीके से निकल जाता है। तो ये आपको हम सेफ्टी कवर डालने को भूल गए थे, इसीलिए ऐसा ही इधर आप देख सकते हो कि ऐसा सेफ्टी कवर लगेगा तो ये कपड़ा बाहर आके इधर रखेगा नहीं। ये अभी हम फिर से बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। अगर आपका इसमें ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो आपको प्रेस करना है, आपको लेवल करना है, नहीं तो ये ड्रम पूरा घूम के आवाज़ करेगा। 20 सेकंड 30 सेकंड में आपका एकदम जो स्पिन होके आपका लेवल हो जाएगा कपड़ा। यहाँ पर आप ऐसा खोलोगे हमारा कपड़ा सूख गया अभी, तो ये आप ऐसा यूज़ कर सकते हो वॉशिंग मशीन को अपनी। तो बहुत सारे वॉशिंग मशीन में, तो देखो ये हायर का है, इसमें बहुत सारे वॉशिंग मशीन में आपको 45 मिनट दिया रहता है। तो 45 मिनट क्या रहता है कि सोख होगा, पहले आप जैसे कपड़ा धोते हो तो भिगा के रखते हो सरफ में, तो ये फंक्शन उसमें नहीं है। बहुत सारे वॉशिंग मशीन में वो फंक्शन आता है, तो आप वो फंक्शन नहीं है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कपड़ा डाल के थोड़ा 2-3 मिनट तक आपको घुमा के सर्फ का झाग बना के फिर कपड़ा डाल के आपको जैसा आपको आधा घंटा भिगा के रखना है तो आधा घंटा भिगा के आपको फिर मशीन चालू भी कर सकते हो।